मुख्य चीज है, आधार सही होना चाहिए। और छाया प्रतिछाया क्या होती है? जिधर से प्रकाश पड़ रहा है, जिधर से, उस साइड में, उसके उल्टी साइड में यहाँ प्रतिछाया होगी। प्रतिछाया, प्रतिछाया को ये हम इस तरीके से दिखाएंगे, नीचे शेड्स जो होते हैं, और अंदर जो बनती है उसको छाया बोलते हैं। पेपर में दिया रहता है कि छाया और प्रतिछाया बनाएं, तो प्रतिछाया जो बाहर से आता है और छाया जो अंदर आती है। तो प्रकाश इधर से आ रहा है, इधर से हमारी फोकस लाइट पड़ रही है, तो हम इस साइड में ही बनाएंगे छाया। इस साइड में हम डार्क नहीं करेंगे। ये आपको बहुत ध्यान देना है, छाया और प्रतिछाया के ही नंबर मिलते हैं। आप सामने वस्तु को रख के डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं कि प्रकाश किधर से आ रहा है, उस साइड में हमें प्रतिछाया नहीं बनानी है। बहुत बच्चों को प्रतिछाया की जानकारी नहीं होती है, इसलिए ये इसी तरीके से आपको बांटना है। और एक चीज़ आपको कला के बारे में मैं बता दूं, चित्रकला के 6 अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं चित्रकला के, जिसमें रूप का आकार आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके वर्णों की जानकारी होनी चाहिए, उसके प्रमाण की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए उसके कला के जो 6 अंग हैं, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्यम योजनाम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्रकम सटंगम, तो ये 6 अंग कला के हैं। ये आपको बहुत जानकारी रखनी है कि संतुलन क्या है, संतुलन कैसे आएगा। संतुलन आएगा आपके आधार से और आपके प्रमाण, माप और प्रमाण से। ये आप सामने वस्तु रख के वस्तु का चित्रण करिए और उसको अपने दिमाग में रखिए कि ये किस तरीके से बना हुआ है, इसलिए इसको स्मृति चित्रण कहा जाता है। कुछ भी आए, कप प्लेट जग, वो इसी तरीके से आपको बनाने हैं। ये खंड खाका है और आलेखन खंड काका अनिवार्य है, ये आपको करना ही है। थैंक यू।